Assalamualaikum. In this video lecture, we will discuss some rules regarding adjective. So let's start. First of all, we will discuss using and between adjectives. अगर तो ऐसा है कि जो दो adjectives हैं वो linking word के बाद आ रहे हैं या फिर किसी complex transition word के बाद आ रहे हैं तो फिर हम उन दो adjectives को connect करने के लिए उनके बीच में and use करते हैं. और अगर ऐसा है कि इसी कम्प्लेक्स ट्रांजिशन वर्ड या लिंकिंग वर्ड के बाद जो नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स है वो दो से ज्यादा है, लाइक सपोज तीन है या चार है, तो आपने क्या करना है कि दैट यू हैव टू पुट एंड बिटवीन द लास्ट टू एडजेक्टिव्स इन कोमा बिटवीन द अदर्स. अब इस चीज को समझने के लिए वी हैव अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स. जो पहली एग्जाम्पल है अभी के लिए वो ये है कि दैट ही वॉज टॉल एंड थिन. अब इस एग्जाम्पल में जब आपके पास लिंकिंग वर्ब आ गया है तो लिंकिंग वर्ब के बाद आपने दो एडजेक्टिव्स को कनेक्ट करने के लिए एंड यूज किया. अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हो कि दैट ही वाज टॉल थिन शॉर्ट साइटेड एंड बाल्ड. अब इसमें चूंकि देयर आर मोर देन टू एडजेक्टिव्स तो बाकी सबको तो आपने कोमा के साथ कनेक्ट किया है लेकिन लास्ट टू को कनेक्ट करने के लिए एंड यूज किया है. इसी तरह थर्ड वाली एग्जाम्पल है शी एविडेंटली कंसिडर्ड मी सिली एरोगेंट एंड इनएडिक्वेट. अब इसमें अगेन आपने एरोगेंट और इनएडिक्वेट को कनेक्ट करने के लिए तो एंड यूज किया है लेकिन सिली और इग्नोरेंट, सॉरी इट्स नॉट एरोगेंट इट्स इग्नोरेंट, सिली और इग्नोरेंट के बीच में क्या आ गया है, कोमा आ गया है. ऐसी कौन सी एग्जाम्पल है या ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम इस चीज को प्रिफर करते हैं कि हम एडजेक्टिव्स के बीच में एंड यूज करें? वो बेसिकली तब होता है जब आपके पास जो है ना वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है ना वो सेम टाइप्स के हैं. अगर तो वो एडजेक्टिव सेम टाइप के हैं तो अल्टीमेटली आपने उसके साथ एंड यूज करना है, ठीक है. और इसी तरह अगर आपके पास दो कलर एडजेक्टिव आ जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल येलो एंड ऑरेंज, ठीक है, तो इनको भी कनेक्ट करने के लिए आपने जो है ना वो एंड यूज करना है. इसी तरह अगर अगली चीज देखें मटेरियल एडजेक्टिव्स, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि वूल एंड कॉटन, ठीक है, तो अब इसको भी कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या चीज यूज किया, एंड यूज किया. तो इस तरह के एडजेक्टिव्स को कनेक्ट करने के लिए वी यूजली यूज एंड. अब इसकी एग्जाम्पल्स जो है हमारे पास वो क्या है, पहली एग्जाम्पल है अ येलो एंड ब्लैक इंसेक्ट. अब इसमें ये दोनों कलर एडजेक्टिव्स हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए एंड यूज हुआ है. इसी तरह यू विल लव और स्टील एंड कैनवस फेयर. अब इसमें स्टील एंड कैनवस को कनेक्ट करने के लिए एंड यूज हुआ है. सो दैट इज बेसिकली द बेसिक रूल इन दिस रिगार्ड. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जो चीजें डिस्कस करेंगे वो बेसिकली पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स होंगे कि कुछ पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स अगर आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं लेस और फ्यू लिखा हुआ है, इसी तरह होता है लिटिल अ लिटिल या द लिटिल, इसी तरह फ्यू होता है अ फ्यू होता है या द फ्यू होता है, ठीक है, तो इसी तरह फर्दर एंड फार्दर होते हैं. तो ये जो पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स हैं इनको किस तरह से यूज करेंगे, तो सबसे पहले तो आपने बता देना है कि दैट जो लेस होता है वो यूजली आप अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हो और जो फ्यूअर होता है वो बेसिकली आप जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हो, ठीक है. लेकिन कभी कभार जब आपने रेफरेंस देना होता है किसी अमाउंट या फिर किसी सम का तो फिर अगेन आप लेस यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर आप यूजली लेस देन का वर्ड जो है ना वो प्रेफर करते हो. अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना दो एग्जांपल्स हैं, पहले आप ये देखें कि दैट फॉर्चुनेटली आई हैव लेस वर्क टू डू देन आई यूज टू हैव, ठीक है. अब इसमें ये जो वर्क है दैट इज समथिंग अनकाउंटेबल एंटिटी, तो इसके साथ आपने लेस यूज करना है, ठीक है. इसी तरह अगर इसी उस सेंटेंस को हम थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं एंड वी यूज इट दिस वे कि दैट फॉर्चुनेटली आई हैव फ्यूअर टास्क टू डू देन आई यूज टू हैव, ठीक है. अब इसमें आपने टास्क कर दिया, टास्क इज समथिंग प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ आप फ्यूअर यूज करेंगे, ठीक है. अब अगली चीज जो है ना वो मैंने आपको जो रूल के स्टार्ट में भी थोड़ा सा बता दिया कि लेस देन भी यूज होता है रेफरेंस के तौर पर अगर आपने अमाउंट या सम की बात करनी है, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है कि दैट वी स्पेंट लेस और फ्यूअर देन $20 ऑन द रिपेयर. अब यहाँ पर आपने चूंकि रेफरेंस यूज कर लिया, सम से पहले आपने यूज करना है तो देन आप लेस भी यूज कर सकते हैं फ्यूअर भी यूज कर सकते हैं, बोथ ऑफ देम विल बी परफेक्टली. जो अगला पेयर ऑफ एडजेक्टिव हमने आज डिस्कस करना है वो बेसिकली है फर्दर एंड फार्दर. अब ये किस तरह से होगा इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो फार्दर होता है ना वो बेसिकली फार से निकले, इसका रूट वर्ड फार है और फार होता है कहीं दूर, ठीक है, डिस्टेंस पे जो चीज पड़ी होती है हम कहते हैं कि दैट इट इज फार अवे. इसी तरह जो फर्दर होता है ना वो हम कहते हैं मजीद, जिसको हम कहते हैं उर्दू में, ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कि फर्दर मोर, जैसे इस तरह से आप इस चीज को ले सकते हैं. ये जो है ना वो मेटाफोरिकल एडवांसमेंट जिन चीजों में हो रही होती है हम उसके लिए फर्दर यूज करते हैं, तो फर्दर और फर्दर का डिफरेंस इस तरह से रखना है. अब ये एग्जांपल अगर हम देखें तो इसके अंदर है कि हाउ मच फर्दर इज द अम्यूजमेंट पार्क. अब ये मैं डिस्टेंस की बात कर रही हूँ कि कितनी दूर है अम्यूजमेंट पार्क, तो अगर मैं इसके साथ फर्दर यूज करूंगी तो वो गलत हो जाएगा, आई हैव टू यूज फर्दर. इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है
दैट फादर टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीक. नहीं, मैं यहाँ पर जो है ना वो मेटाफरिकल एडवांसमेंट की बात कर रही हूँ. देयरफॉर आई हैव टू यूज फर्दर एंड नॉट फार्दर इन दिस केस. जो नेक्स्ट पेयर ऑफ एडजेक्टिव है दैट इज बेसिकली टॉल और हाई. पहले आप ये देख लें कि टॉल कहाँ यूज होता है और हाई कहाँ यूज होता है, एंड देन वी विल यूज देम इन सेंटेंस. टॉल की अगर मैं बात करूँ तो टॉल इज बेसिकली यूज टू मेजर द साइज और द वर्टिकल हाइट्स और हाइट्स ऑफ द वर्टिकल आइटम्स सच एज पीपल एंड बिल्डिंग. अब जिस भी चीज़ से आपने वर्टिकल हाइट मेजर करना है या फिर वर्टिकल हाइट में रेफरेंस देना है तो आप क्या करते हैं कि आप उसके साथ टॉल यूज करते हैं. इसी तरह अगर मैं हाई की एग्जांपल लूँ तो हाई में सॉरी हाई की एक्सप्लेनेशन देखूँ तो उसमें क्या होता है कि दैट इट इज बेसिकली यूज्ड टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड इंक्लूडिंग ब्रिजेस प्लेन शेल्व्स हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो अब जब आपने रेफरेंस यूज करके इसी चीज को दूसरी चीज का डिस्टेंस बताना है अगेन वर्टिकल डिस्टेंस, तो फिर हम जो है ना वो वर्ड हाई यूज करते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. टॉल में आप क्या बता रहे हो, साइज बता रहे हो, वर्टिकल साइज. लेकिन हाई में आप क्या बता रहे हो कि वर्टिकली आपने क्या किया कि किसी एक चीज को रेफरेंस ले लिया और उससे वर्टिकल डिस्टेंस क्या कितना है उस ऑब्जेक्ट का, उसको बताने के लिए यूज कर रहे हो. अब इस चीज की एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट इट मोर क्लियर. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये देखें दैट ही अलाइटेड फ्रॉम टॉल हेवन टू पोर अ कैस्केड ऑफ लव. ठीक है, अब ये टॉल हेवन नहीं, हम कोई साइज नहीं मेजर कर रहे हेवन का. हेवन हमेशा हम रेफरेंस से बात करते हैं, दैट जैसे हम कहते हैं कि दैट हाई स्काई, इसी तरह हाई हेवन होता है. तो हाई हेवन वुड बी ट्रू टॉल हेवन जो है ना, इट डजंट मेक अ सेंस. इसी तरह द गोल्डन गेट ब्रिज इज एक्सेप्शनली टॉल. ठीक है, तो अगेन यहाँ पर जो आपको चीज देखने की जरूरत है वो भी यही है कि ब्रिज जो है ना वो भी अगेन आप ग्राउंड से रेफरेंस के तौर पर बता रहे हो, तो हाई जो है ना दैट वुड बी करेक्ट इन दिस केस. तो नेक्स्ट हमने बात करनी है पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स की, उसमें फ्यू अ फ्यू द फ्यू वगैरह आएंगे. ठीक है, अब जो फ्यू होता है ना दैट इज बेसिकली यूज टू रिप्रेजेंट अ नेगेटिव क्वांटिटी और शॉर्टेज. जब किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो हम कहते हैं कि दैट वो चीज कम है, तो हम इसके लिए फ्यू का वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, इसी तरह अ फ्यू रिप्रेजेंट द पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि अगर थोड़ी बहुत तादाद आपके पास है तो फिर आप फ्यू की जगह अ फ्यू यूज कर लेंगे. और वेयर इज द फ्यू रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर. ठीक है, अब आप जब किसी अगेन हमने पहले भी पढ़ा है एक आर्टिकल में कि जो द होता है वो स्पेसिफिसिटी को डिटरमिन कर रहा होता है, तो अगर आप द फ्यू की बात कर लेते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर जो नंबर है उसकी तरफ जो है ना वो इशारा करेगा. ठीक हो गया, अब ये जितने भी फ्यू अ फ्यू ठीक है द फ्यू, ये सारी चीजें आप काउंटेबल नाउंस के लिए यूज करते हैं, यू नेवर यूज देम फॉर द अनकाउंटेबल नाउंस. अब इन चीजों की एग्जांपल्स देखने के लिए कुछ यहाँ पे चीजें हैं व्हिच आई वांट यू टू सी फॉर वंस. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, अब इसमें फ्यू है जब यूज हुआ है तो इसका मतलब है कि दैट आई डोंट हैव फ्रेंड्स एट ऑल. ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो अब ये कुछ पॉजिटिविटी आ गई है कि हाँ मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं, आई हैव सम फ्रेंड्स. इसी तरह द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर वेरी सिंसियर टू मी, अब मैं अपने उन फ्रेंड्स की तरफ रेफर कर रही हूँ, उन फ्रेंड्स को स्पेसिफाई कर रही हूँ जो कि सिंसियर हैं. तो अगेन यहाँ पर जो है ना वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ फ्रेंड्स की बात हो गई. अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे दैट ही फील्स लोनली एज ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी. अब जब आपने बता दिया कि वो लोनली यानी कि अकेला महसूस करता है, देन हाउ कुड यू यूज अ फ्यू विद इट. अ फ्यू का मतलब था कि दैट उसके कुछ ना कुछ दोस्त हैं, तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा कि आप आ ना लगाएं, अकेला फ्यू लगाएं जो कि नेगेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर. सो वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट द अदर पेयर ऑफ एडजेक्टिव, जो कि कौन सा है, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल. अब बेसिकली जो अ लिटिल, लिटिल और द लिटिल है वो एग्जैक्टली वही रूल फॉलो करता है जो कि हमने फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के लिए बोला था. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू जो थे वो हम काउंटेबल नाउंस के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन ये हम नॉन काउंटेबल नाउंस के लिए मोर प्रेफरेबली यूज करते हैं. अब इस चीज को समझने के लिए आप दो एग्जाम्पल्स देखें कि दैट पहली एग्जाम्पल है शी हैड लिटिल इंटरेस्ट इन हिस्ट्री. लिटिल इंटरेस्ट का मतलब है कि एग्जैक्टली शी हैड नो इंटरेस्ट. ठीक है, तो लिटिल जो है ना वो बिल्कुल मिनिमल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि दैट देयर इज अ लिटिल सॉस लेफ्ट, अब जो अ लिटिल है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. अ लिटिल का मतलब है कि दैट समथिंग इज लाइक ऑलरेडी प्रेजेंट देयर. अब ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉन्ट यू टू सी इट फॉर वंस, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो. अब इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे दैट जब अनफॉर्चुनेटली आ गया ना, तो इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट आपका पूरा क्लॉज है उसके अंदर आप कोई नेगेटिव क्वांटिटी या एंटिटी की ही बात करने लगे हैं.
अगर आप इसको इस तरह बोल देते हैं कि दैट अनफॉर्चुनेटली आई हैव अ लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, तो ये गलत हो जाएगा। आ लिटिल नहीं आएगा, बल्कि आपने क्या करना है कि आ नहीं यूज करना, बल्कि खाली लिटिल यूज करना है, क्योंकि आ लिटिल का मतलब होता है सम इंटरेस्ट और लिटिल का मतलब होता है नो इंटरेस्ट। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स वुड बी द राइट वे टू से इट। हम बात करेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव्स की, कि जब जेरेंड्स आ जाते हैं तो हम उनके साथ पोजेसिव एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर तो आपके पास जो है ना वो जेरेंड्स आ गए हैं, तो आप उनके साथ कभी भी पोजेसिव प्रोनाउंस यूज नहीं कर सकते, बल्कि आप पोजेसिव एडजेक्टिव्स यूज करेंगे। पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल माई, ओवर, योर, हर, हिज, देयर। तो आपके पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? माइन, ours, theirs, his, ठीक है, तो ये आप नहीं यूज करेंगे, बल्कि आप पोजेसिव एडजेक्टिव्स यूज करेंगे। इस चीज को आप एग्जाम्पल से समझेंगे, यू विल गेट द बेटर आइडिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है ना वो दो एग्जाम्पल्स मेंशन है। पहले एग्जाम्पल में देखें कि दैट ही वुडंट हियर ऑफ मी वॉकिंग होम अलोन। ठीक है, अब यहाँ पर हियर ऑफ मी वॉकिंग ना कुछ सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या यूज कर लिया, आपने यहाँ पर जो है ना वो सॉर्ट ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन यूज कर लिया, तो इसका करेक्ट वर्जन होगा माई वॉकिंग। ठीक है, क्या आपने पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है। इसी तरह द एंजल सेड ही रिमेम्बर्ड माइंड डूइंग सो, अगेन यहाँ पर आपने माइंड यूज कर लिया जो पोजेसिव प्रोनाउन है, तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, इसका करेक्ट वर्जन बेसिकली होगा माई डूइंग सो। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास जेरेंड आएगा तो उससे पहले आपने पोजेसिव एडजेक्टिव ही फॉलो करना है। This is all for today. Thank you so much. Allah Hafiz.